करते हैं, जो कि एक हेडफोन है जिसकी प्राइस 149 रुपीज़ है। बट इस हेडफोन की क्वालिटी, डिज़ाइन और कंसेप्ट बाकी सारे चीप हेडफोन्स की तरह नहीं है जो इस प्राइस रेंज में अवेलेबल होते हैं। इस हेडफोन में आपको ईयरबड्स में एक्स्ट्रा ग्रिप दिया गया जो कि रबर की है, जो कि कॉस्टली हेडफोन्स में दिए जाते हैं, जिससे ये किसी भी सिचुएशन में आपके ईयर से एक्सीडेंटली नहीं निकलेगा, जो कि बाकी सारे हेडफोन्स में होता रहता है लाइक स्पोर्ट्स टाइम में। और ये ग्रिप काफ़ी सॉफ्ट है, जिससे आप इसे लॉन्ग टाइम तक बिना किसी पेन के यूज़ कर पाएंगे। और इस हेडफोन में माइक भी अवेलेबल है जो कि काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, और इसकी वायर सेमी टैंगल फ्री है, मतलब कि ये हेडफोन बाकी सारे हेडफोन के कंपेयर में टैंगल तो होगा बट बहुत कम होगा, जो कि बाकी सारे वायर्ड हेडफोन्स में मेन प्रॉब्लम होता है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी को तो देखकर आप अभी तक समझ गए होंगे। तो मेन बात आती है यहाँ पे साउंड की, तो पहले मैं आपको इसे टेस्ट करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगा। साउंड क्वालिटी तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे, बट फिर भी मैं आपको थोड़ा क्लियर विजन दे देता हूँ। इसकी साउंड एक एवरेज हेडफोन में जो साउंड होती है इस प्राइस रेंज में, उससे कई ज़्यादा एक्यूरेट और प्योर है, जिसे कोई भी पर्सन सुनने के बाद ये नहीं बोल सकता कि ये 150 रुपीस के हेडफोन्स हैं। और सेकंड गैजेट जो है वो हमारे डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि एक चार्जिंग या डेटा केबल है, जिसमें तीन तरह के डेटा केबल्स इनबिल्ट है लाइक एंड्रॉयड, आईफोन और आईपैड। ये आपको 1000 mAh वाला पावर बैंक की तरह लग रहा होगा बट ऐसा नहीं है। इस केबल में आपको स्विस आर्मी नाइफ वाले डिज़ाइन में तीन तरह के केबल एक USB पोर्ट से कनेक्टेड मिलते हैं, जिसे आप इस मल्टी फंक्शनल बटन से डिफरेंट केबल में स्विच कर सकते हैं। और सभी केबल्स के लिए एक अलग स्लॉट है, जिसे आप इस तरह से निकाल निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। तो मेन फीचर क्या है इस गैजेट का, ये गैजेट आपको USB केबल के इस हैसल से पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेगा, जिसे आप एक ही चीज़ से अलग अलग तरह के गैजेट्स को चार्ज कर सकते हैं। दो तीन तरह के अलग अलग डिवाइस को चार्ज करने के लिए आपको अलग अलग तरह के केबल्स कैरी करने पड़ते हैं, जिन्हें आप चाहकर भी सही प्रॉपर तरीके से फोल्ड करके स्टोर नहीं कर पाते, जो कि ट्रैवल करते समय काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट इस गैजेट को आप ट्रैवल करते समय कहीं भी एडजस्ट करके भूल सकते हैं, जो कि एक यूनिक कैटेगरी का 3-in-1 डेटा या चार्जिंग केबल है, जिसे हर कोई यूज़ करना चाहेगा। और थर्ड गैजेट के बारे में बोलो तो ये कोई गैजेट तो नहीं है, बट ये चीज़ आपकी एक बड़ी प्रॉब्लम को काफ़ी प्रॉपर मैनर में सॉल्व कर देगा। आपने अभी तक बहुत सारे हेडफोन्स परचेस किए होंगे, जिसमें से 75% हेडफोन्स इस तरह से पॉकेट में, बैग में या कंजेस्टेड जगह में रखने के कारण आपस में टैंगल हो जाते हैं, और यूज़ करते समय इसे ठीक करते करते काफ़ी टाइम भी वेस्ट हो जाता है, और ज़्यादा दिन तक इसी तरह से टैंगल होते होते किसी दिन एक ईयरपीस काम करना बंद कर देती है, या माइक खराब हो जाता है, या हेडफोन का जैक सभी फोन्स में सपोर्ट करना बंद कर देती है। तो ये चीज़ आपके हेडफोन का एक केस, कवर या मैनेजर है, जिसमें आप अपने हेडफोन्स को यूज़ करने के बाद इस तरह से जेंटली फोल्ड करके रख सकते हैं, और यूज़ करते समय एक बार में अनफोल्ड करके यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपका काफ़ी टाइम भी सेव होगा और हेडफोन्स भी डेड नहीं होंगे। तो अभी तक आपको ये लग रहा हो कि 150 रुपीज़ में एक हेडफोन आ सकता है, तो मैं इस रबर की चीज़ पे पैसे क्यों वेस्ट करूँ जो एक सिंपल सा काम कर रहा है। बट सिर्फ हेडफोन रैप करना इसका मेन फीचर नहीं है, इसे आप एक फ़ोन स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको हेडफोन के साथ एक अच्छा कंपनी देगा लाइक मूवीज देखते समय या SJD फ्रिक पे गैजेट्स के एपिसोड्स। एंड कमिंग टू द फोर्थ गैजेट, जो कि कोई स्मार्टफोन गैजेट तो नहीं है बट एक स्मार्ट गैजेट जरूर है, जो कि एक की फाइंडर है, जिसे आप अपनी किसी भी ऐसी चीज में अटैच कर सकते हैं जिसे आप हमेशा यहां वहां रखकर भूल जाते हैं, लाइक कीज, पर्स, पेन ड्राइव या कुछ भी प्रीसियस या इंपॉर्टेंट। तो इस गैजेट में एक सेंसर लगाया गया जो कि विसल मतलब सीटी बजाने पे बजर टाइप का साउंड क्रिएट करता है, जिसे आप आसानी से अपने सामान को ढूंढ सकते हैं, जिसके साथ साथ एक रेड LED लाइट भी इनबिल्ट है जो बजर के साथ साथ ब्लिंक करता है, जिसे आप अपने कीस या किसी भी सामान को नॉइजी एरिया में लाइक रात के समय रोड के साइड में आपने अपनी बाइक की, कार की या घर की कीस घुमा दी है, जहाँ आप इसकी साउंड रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, फिर भी आप इन लाइट से कीस को आसानी से रिकॉग्नाइज कर लीजिएगा, और इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा है, जिससे आप इसे बहुत दूर से या कम साउंड में भी विसल करते हैं तो ये उसे आइडेंटिफाई करके बजर स्टार्ट कर देता है। आप देख सकते हैं कि ये कितना कम साउंड के विसल में भी फटाफट रिप्लाई दे रहा है, जिसकी साउंड थोड़ी कम है बट नहीं से अच्छा कुछ होता है। जहां आपके कीस आपको दिख ही नहीं रहा हो, वहां एक हल्का सा साउंड और एक ब्लिंक करता हुआ रेड LED लाइट बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा। ओवरऑल ये एक लाइफ सेवर प्रोडक्ट है, जो कि काफ़ी क्रिटिकल समय पर प्राइसलेस परफॉर्मेंस दे सकता है।
तो अब आते हैं इस गैजेट कंपाइलेशन का सबसे लास्ट या एंटीक गैजेट पे, जो कि एक साउंड बूस्टर है। इस सेल पे मैंने बहुत सारे पोर्टेबल स्मॉल साइज के ब्लूटूथ स्पीकर्स के बारे में बताया, जिसे आप आसानी से हर जगह कैरी करके अपने फ़ोन के साउंड के कंपेयर में लाउड म्यूजिक सुन सकते हैं। बट एक स्पीकर कैरी करना, जिसे यूज़ करने के बाद प्रॉपरली चार्ज करके रखना पड़ता है। अदरवाइज मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि लास्ट टाइम जब मैंने स्पीकर यूज़ किया तो उसे यूज़ करते करते उसकी बैटरी लो हो गई और मैंने चार्ज किए बिना उसे दोबारा वहीं फेंक दिया जहाँ से उसे उठाया था, और जब नेक्स्ट टाइम मूड होता है स्पीकर यूज करने का तो उसमें चार्ज ही नहीं होता। बट इस गैजेट के हेल्प से आप बिना किसी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम या डिवाइस के अपने एग्जिस्टिंग फोन साउंड को काफी ज्यादा इंक्रीज या डबल कर सकते हैं, जिसे आपको ना चार्ज करना पड़ेगा और ना ही वाटर या रफली यूज करने से प्रिवेंट। ये एक रबर का बना हुआ साउंड को फोकस करने वाला डिवाइस है, जो आपके स्पीकर से निकलने वाले साउंड को एक जगह फोकस कर देता है, जिससे आपको ज्यादा साउंड सुनने को मिलता है। इस चैम्बर में आपके स्पीकर होल के साइड में एक होल है जो साउंड को इस स्मॉल टनल से पास करती है, जो साउंड को एक जगह फोकस कर दे रहा है इन सभी चीजों के जैसा। सिंपली फोन को इस तरह से इसमें पुश करना है और म्यूजिक प्ले करना है, और अब मैं आपको इसे यूज करके और बिना यूज किए साउंड कंपैरिजन चेक करवाता हूं। एंड आई थिंक अब मुझे आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं कि ये आपके फ़ोन साउंड को किस लेवल से किस लेवल तक ले जा रही है, जिसे आप एक फ़ोन डॉक या फ़ोन स्टैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जो इस साउंड बूस्टर के साथ एक अच्छा कंपनी क्रिएट करेगा उस हेडफोन रैपर की तरह, जिसे आप बिना हेडफोन्स के दो फ्रेंड से ज़्यादा के साथ कॉलेज कैंटीन में बैठकर गेम ऑफ थ्रोन्स के लीक एपिसोड लाउड साउंड में इंजॉय कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। आई होप के गैजेट्स अभी तक का बेस्ट यूजफुल एंड चीप गैजेट्स में से एक थे, और इन गैजेट्स को ढूंढने में मुझे सभी एपिसोड से बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे और भी कूल गैजेट्स के लिए। सो दिस इज